दोस्तों जय श्री राम, कैसे हैं? आज हम वीओ वाई राशि को अनलॉक करना सीखेंगे, वो भी मिरेकल बॉक्स से, क्योंकि इसको मैंने हार्ड रिसेट कर देखा है। हार्ड रिसेट करने पे भी जो अनलॉक कोड होता है ना, हार्ड रिसेट करने पे भी अनलॉक कोड मांग रहा है, और काफ़ी मेथड अप्लाई कर लिए हैं, उससे क्या कहते हैं इसका कोड जो है अनलॉक नहीं हो रहा। तो अब हम इसको मिरेकल बॉक्स से इसको अनलॉक करेंगे अपने वीओ वाई राशि को। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है। इसके लिए माई कंप्यूटर में चलेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में हमें डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाने के बाद हम अपने कंप्यूटर में स्टार्ट चालू करेंगे, अपना मिरेकल बॉक्स ओपन कर लेंगे। तो मैं अपना मिरेकल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। अब क्योंकि इसके अंदर MTK का CPU है, तो हम MTK सेलेक्ट रहने देंगे। फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, सेफ मोड को अनचेक करने के बाद एडवांस FRE को P को भी सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मॉडल वीवो वाई 83। वीवो वाई 83 कहाँ गया? वीवो वाई 83 आ गया, ठीक है। वीवो वाई 83 सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस करके प्लस और माइनस दोनों की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे। और मैं इसे कर देता हूँ प्लस और माइनस की प्रेस की मैंने, और ये कनेक्ट किया। ये प्लस और माइनस की प्रेस करके कनेक्ट करने पे एरर आ रहा है। इस बार मैं अब इसको कनेक्ट करूँगा विदाउट एनी की प्रेस किए हुए, ठीक है। बिना किसी की को प्रेस करके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अब देखता हूँ, हाँ अब शायद प्रोसेस हो रहा है। अब जरा डिवाइस मैनेजर की तरफ ध्यान दीजिए। इस समय ये लेगा MTK का CPU, ठीक है। उसके बाद ये एक दो बार कनेक्ट डिसकनेक्ट होगा, फिर हमारा फ़ोन जो है ऑटोमेटिक मेटा मोड में आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, ठीक है। अब देखो फिर अपने आप ही हो रहा है, मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी है। अब प्रीलोडर USB मतलब MTK का इसने ड्राइवर ले लिया है, अब इसको फिर छोड़ देगा, फिर हमारा फ़ोन मेटा मोड में आ जाएगा। अभी प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। ऑटोमेटिक जो हो रहा है, बस हमें एक बार स्टार्ट पे बटन क्लिक करके फ़ोन को कनेक्ट करना है बस। अब ये देखिए ड्राइवर आ चुका है, इसमें येलो मार्क आ रहा है CDC सीरियल में, इसका मतलब CDC का ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में नहीं है। तो हम इसे अपडेट कर लेंगे, अगर इसके बगैर हमारा फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। अब जहाँ पे मेरा CDC ड्राइवर सेव है मेरे कंप्यूटर में, वहाँ पे जाके इसको हम अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ड्राइवर ओपन कर लिया, अब हम इसका ओपन करेंगे, CDC ACM को ले लेंगे, ओके करेंगे। और अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, और ये हमारे सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। देखो जैसे ये इंस्टॉल CDC ड्राइवर हुआ, और यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बींग रीड इन्फो एंड बींग फॉर्मेट यूज़र डाटा, अब हमारा फ़ोन जो है फॉर्मेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम में CDC ड्राइवर होना ज़रूरी है। अगर CDC ड्राइवर नहीं होगा तो ये फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास CDC ड्राइवर है तो ठीक है, वहाँ से ले लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। इस तरीके से हमारा फ़ोन वीवो वाई